मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर से सबको चौंकाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है। मुंबई के लिए एक समय प्लेऑफ में जाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन सीजन 14 के 51वें मैच में 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराकर अंक तालिका में बड़ा फेरबदल कर दिया है। राजस्थान से मिले 91 रनों के लक्ष्य को मुंबई इंडियंस ने 8.2 ओवर में हासिल कर लिया। इसी के साथ मुंबई अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। यही नहीं, मुंबई की प्लेऑफ में जाने की संभावनाएं भी बढ़ गई है। तो कैसे बढ़ी है संभावना, बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर मुंबई इंडियंस की टीम कैसे पहुंचेगी प्लेऑफ में। अब कोलकाता नाइट राइडर्स वो टीम है जो प्लेऑफ में जाती दिख रही है। केकेआर के 13 मैचों में 12 अंक हैं, लेकिन उसकी नेट रन रेट मुंबई से बेहतर है। अब केकेआर को मुंबई से टक्कर मिली है। मुंबई चाहेगा कि केकेआर अपना मैच हार जाए, वहीं केकेआर भी चाह रहा है कि मुंबई अपना मैच हार जाए। दोनों टीमों का एक एक लीग मैच बचा हुआ है। अब केकेआर अपना आखिरी लीग मैच 7 अक्टूबर को राजस्थान के साथ खेलेगी। अगर राजस्थान जीत जाती है तो फिर मुंबई इंडियंस को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपना मैच जीतना होगा जो 8 अक्टूबर को होगा। फिर मुंबई की टीम अगर जीत जाती है तो वह सीधा 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। अगर मुंबई की टीम हार जाती है तो फिर नेट रन रेट के आधार पर केकेआर ही आगे बढ़ जाएगी। मुंबई इंडियंस के पास -0.048 की रन रेट है, जबकि केकेआर के पास +0.294 की शानदार रन रेट है। वहीं पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स अभी ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर दिख रही है। ये टीमें भी 13-13 मैच खेल चुकी है और दोनों के 10-10 अंक है। अब ये अपने आखिरी मैच को जीत भी जाते हैं तब भी इनके 12 ही अंक होंगे, लेकिन खराब नेट रन रेट के कारण ये में जगह नहीं बना पाएगी। साथ ही केकेआर मुंबई को भी अपने मैच हारने होंगे। ऐसे में पंजाब और राजस्थान के लिए रास्ते बंद दिख रहे हैं, लेकिन मुंबई और केकेआर के लिए कोई एक टीम प्लेऑफ में जाती साफ दिख रही है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।